तो गाइस मेरे को ना यार एक दो चीजों के बारे में बात करनी थी और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज हो गया भाई फ्राइडे और मैंने पहनी है ये, तो अगर ये पहनी है तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज क्या है सीन। तो ऐसा ही है भाई सीन, देखो। और अपना भाई प्रोग्राम है कुछ ऐसा कि अभी अपन निकले घर से, तो अभी चलते हैं जरा। तो गाइस मेरे को ना यार एक दो चीजों के बारे में बात करनी थी और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। मैं एक्चुअली यार ऐसी ना बातें करता नहीं ज्यादा, तो यार प्लीज यार वीडियो ना लास्ट तक देख लेना तो समझ जाओगे आप लोग कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ। मतलब मेरे जनता के बारे में कुछ नहीं भाई, अपनी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है उसके बारे में कुछ नहीं है। तो आप लोग प्लीज अपने में मत लेना कि आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं। ये कुछ पर्सनल यार दिक्कतें हैं जो आ रही हैं मेरे को, तो उसके बारे में बात करनी थी। और मेरे को थोड़ा वो था कि यार चलो ठीक है थोड़ा डिस्कस करके ना शायद थोड़ा रिलीफ मिल जाए, बट वैसे है भाई चलो देखते हैं। अभी मेरे को समझ में नहीं आता है यार ऐसी चीज़ें बताते हैं कैसे हैं, क्योंकि देखो मैं चीज़ें ना कोई प्रॉब्लम्स होएगी ना मैं अपने आप में रखने में ज़्यादा बेटर हूँ कि भाई ठीक है ये प्रॉब्लम है कोई सीन नहीं है अपन मैनेज कर लेंगे। बट वही डिस्कस करने में ना कि हाँ जी ऐसे डिस्कस करें, ये करें, वो करें, शेयर करें, वो उसमें मेरा थोड़ा है नहीं एक्सपर्टीज़ ना। तो ऐसा सीन है, तो मैं बताता हूँ यार आप लोगों ने क्या सीन है, एक मिनट दो मेरे को बस। तो भाई देखो ऐसा है सीन कि मैं देखो ऐसे वीडियोस रोज तो बनाता नहीं, ठीक है। और सीन ऐसा है कि यार देखो मेरे को ये ऐसे टाइप के वीडियोस बनाना पसंद भी नहीं है खास, कि मैं कोई किसी को यार हेट उस पर बोलूँ या कुछ वैसे बोलूँ, ठीक है, कोई चीज़ बोलूँ किसी को, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है वैसा। बट पता क्या, जब ओवर हो जाती है ना चीज़ें तो फिर भाई करना पड़ता थोड़ा, क्या करें, नहीं तो लोग ना हटते नहीं है, अब क्या बोलूँ मैं। तो भाई सीन ऐसा है, एक चीज़ मेरे को बतानी थी कि अगले हफ्ता 10 दिन में एक बढ़िया सरप्राइज़ मिलने वाला है रिगार्डिंग माय वर्क, ठीक है। तो मैं बता दूंगा वो जैसे भी होगा जो भी होगा। और थोड़ा यार जॉब को लेके मेरे भी थोड़ा देखो टेंशन चली हुई है चीज़ों में, ठीक है। तो बस वो वाली चीज़ है थोड़ी, जिसकी वजह से थोड़ा ना 2-4 दिनों से थोड़ा दिमाग हो रखा है ख़राब, टू बी ऑनेस्ट बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ बट हो रखा दिमाग ख़राब। तो ऐसा सीन है भाई। और एक चीज़ तो ये थी कि चलो एक नया सरप्राइज़ मिलेगा, आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा बढ़िया, अभी नहीं बता सकता, मेरे को हफ्ता 10 दिन दो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, लेकिन चीज़ बढ़िया होएगी वो। और दूसरा ये कि यार देखो मैं मानता हूँ कि देखो सब लोगों के अपना अपना सीन होता है, अपने अपने प्रॉब्लम्स होती हैं, घरों में भी होगी, पर्सनल लाइफ में भी होती है, सबकी होती है यार, हमारे भी होगी, आप लोगों के भी होगी, सबकी होती है, ठीक है। अब लोगों को पता क्या यार, कई मैं सब लोगों को नहीं बोल रहा, देखो 90% लोग जो है मेरे को ये चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चल ठीक है भाई काम कर रहा है तूने, जो भी है तू व्लॉग्स बना रहा है, जैसे ही बना रहा है डेली बना रहा है, अभी तक के लिए देखो डेली आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स, अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली बनाऊँ व्लॉग्स, और आगे भी मैं यही कोशिश करूंगा कि भाई डेली बनाता रहूँ व्लॉग्स, जब तक हो पाएगा तब तक तो बनाएंगे। देखो अभी के लिए तो बहुत लंबी प्लानिंग है, कोई सीन नहीं है, तो अभी तो कोई जल्दी नहीं है मेरे को, मैं आराम से चिल चला हुआ, ठीक है। बट ये है कि देखो थोड़ी एक दो चीज़ें हैं जो मेरे को भी बुरी लगती है यार, क्योंकि मेरे को ना कि एक दो बंदे जैसे बोलते हैं कि सब नहीं बोल रहा मैं, कि जिन्होंने बोला देखो उनको पता है कि लोगों को लगता है कि फन से है यार ये, ठीक है कि भाई तेरे तो मज़े चल रहे हैं जिंदगी में, ये है वो है, तुम तो मज़े कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, यार देखो प्रॉब्लम सबकी होती है भाई, तुम लोगों की भी अपनी प्रॉब्लम होगी, मेरी भी अपनी प्रॉब्लम होंगी घर पर, ठीक है। और अब सीन ये है कि देखो यार मैं अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं बता सकता ना, तो चक्कर ये है देखो पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है, व्लॉगिंग के अलावा कुछ लाइफ होती है। तो हम मेरे जैसे मेरे व्लॉग्स में चले हुए हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल है हमारा, तो वो एग्जैक्ट वैसे भी नहीं होता है और वो किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। सबके अपने जो प्रॉब्लम होगी बंदा कोई नहीं शेयर करता, जहां तक मुझे लगता है कि कोई नहीं शेयर करता। तो लोग जो है भाई वो भागते हैं कंटेंट के पीछे कि जिस चीज से बढ़िया कंटेंट मिलेगा वो चीज बनाएंगे। मैं बनाता हूं भाई देखो दिल से कि जो चीज है जैसी मैं दिखा सकता हूं बढ़िया से बढ़िया वैसी चीज दिखाऊंगा, बट पीछे से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक्चुअल में वैसी नहीं होती। अब मैं एग्जैक्टली तो देखो बता नहीं सकता क्या प्रॉब्लम है, बट ये है कि यार देखो जो लोग इस चीज़ को देखो वो करते हैं मोटिवेट करते हैं कि चल ठीक है भाई कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है बंदा, कुछ नया ट्राई कर रहा है, कुछ सही चीज़ अपने उसमें प्रोडक्टिव कर रहा है, तो वो तो देखो अच्छी चीज़ है। जो जिन लोगों को अगर ये दिखता है कि नहीं यार ठीक है भाई ये तो मज़े मार रहा है, ठीक है, या जिनको पता है पर्सनल लाइफ में जिनको पता है हमारी मतलब मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में कि भाई क्या दिक्कतें आ रही है क्या नहीं आ रही है, ठीक है, क्या फैमिली की प्रॉब्लम्स चली हैं क्या चीज़ है, फिर उन लोगों को होता है कि नहीं यार तुम तो ऐसे दिखाते हो, ठीक है, कि तुम तो बड़े मज़े में चले हुए हो और तुम्हारे एक्चुअल में वैसे है ही सीन। तो यार ऐसा नहीं होता, देखो सब चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती,
ठीक है ना, मैं भी सब चीजें नहीं बता सकता कि क्या चीजें चली हुई है, बट ये है कि देखो ये तो एक इनिशिएट है जो मैं ले रहा हूँ, मैं किस वजह से ले रहा हूँ वो वजह मेरे को पता है कि भाई ठीक है मेरे को ये है कि चल थोड़ा व्लॉगिंग का हो जाएगा, थोड़ा रेगुलर एक वीडियोस बन जाएंगे, कल को मेरी भी एक मेमोरीज हो जाएंगी कि चल ठीक है मैंने ऐसा करा है, तो इससे कोई रिलेटेड वो चीज नहीं होती कि नहीं भाई ठीक है अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ तो इससे मेरी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है वो रहेंगी रहेंगी प्रॉब्लम, और वो रहती है हर बंदे की रहती है यार, ठीक है ना, अलग से सबकी प्रॉब्लम्स अपनी रहती हैं, वो व्लॉगिंग के चक्कर में वो नहीं करते कि नहीं भाई ठीक है हमारा तो ये व्लॉगिंग है, यही हमारा लाइफ स्टाइल है, ये ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही चलता है, ठीक है जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हर बंदे की होती हैं और हर बंदा अपनी अपनी प्रॉब्लम्स देख लेता है साइड बाय साइड, बट वो चीज मैं ना मैं व्लॉग में ला सकता हूँ ना मैं आगे कैमरे पे ला सकता हूँ, ये चीज ना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कोई ऑब्वियसली बात है मेरी प्रॉब्लम में और को क्या इंटरेस्ट है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, है ना, तो अब जैसे ये वीडियो देखो अगर आप लोग देखोगे पूरा तो भी ठीक है, नहीं देखोगे तो वो भी आपको अगर बोरिंग लगेगा तो आप भी नहीं देखोगे, तो सीधी बात है, तो ये चीज एक अलग होगी, देखो जो व्लॉग्स में बनती है चीजें वो चीज होती है भाई अलग, ठीक है पर्सनल लाइफ में मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल अलग होती है, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कोई किसी किसी भी बंदे को ले लो आप, कोई भी बंदा बड़े से बड़ा व्लॉगर भी ले लो आप, बड़े से बड़ा जो कंटेंट क्रिएटर कुछ भी ले लो आप, जो भी बंदे वीडियोस बना रहे होंगे सब लोगों के प्रॉब्लम कुछ ना कुछ अलग चली होगी, बट वो चीज वो वीडियोस पे नहीं लेके आते, उनको वीडियोस पे अलग चीज रखनी होती है कि चल ठीक है एक हैप्पी लाइफ दिखाएं, एक ढंग की लाइफ दिखाएं, एक मोटिवेशनल लाइफ दिखाएं लोगों की कि चल ठीक है भाई किस टाइप से स्ट्रगल कर रहे क्या है क्या नहीं है, तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी देखो ये है कि मेरे को बुरा क्या लग रहा है एक्चुअल में, मैं देखो ऐसे वीडियो बनाता नहीं, मैंने एक भी वीडियो ऐसा बनाया नहीं हूं अभी तक, ये मैं पहला वीडियो है जो ऐसे करके डाल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मेरे को वही है ना कि आज सुबह में उठा तो मेरे को एक चीज पता लगी जिसकी वजह से कि क्या बोलते कि मतलब मेरे हमारे को बोल रहे हैं कि क्या बोलते तुम्हारे ऐसे प्रॉब्लम चली है और तुम ऐसे मजे ले रहे हो, ठीक है ऐसा कुछ नहीं यार मजे कोई नहीं ले रहा है, ठीक है जिसको पता है कि क्या प्रॉब्लम है वो हमें भी प्रॉब्लम वही चली हुई है, हमारे को कोई यहाँ पे कोई बढ़िया वो नहीं चला हुआ, ये एक अलग चीज होती है कि व्लॉग में मैं क्या चीज दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ, मैं सब चीजें वो चीज व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, बट लोगों को वो लगता है कि नहीं भाई इनके तो ठीक है इनके तो ऐसे प्रॉब्लम है इतनी बड़ी प्रॉब्लम चली है और ये ले रहे हैं मजे, अब इनको कोई वो नहीं है इनको तो चिल चला हुआ लाइफ आराम से, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, लाइफ चिल नहीं चली हुई, प्रॉब्लम भसड़े मेरे साथ भी चली हुई है, ठीक है हमारी भी भसड़े होती है अलग हिसाब से चली हुई है जो, बट वो हर जगह यहाँ पे नहीं बता सकते ना भाई, ऐसा सीन है तो समझा करो वो चीज, ठीक है जी, और यार किसी को कोई वो नहीं है, देखो आप लोग समझदार हो इतने, बाकी मेरे को पता ही है कि देखो यार जिन लोगों ने सपोर्ट करना है तो वो लोग तो करेंगे करेंगे, ठीक है जिन्होंने नहीं करना तो वो नहीं करेंगे, उसको आप जो मर्जी बोल लो आप वो नहीं करेंगे, वो कोशिश यही करेंगे कि वो बंदा आगे ना बढ़े या ये बंदा कुछ ना कर पाए या वैसे करे डिमोटिवेट करे, तो वो वाली चीजें तो देखो मेरे पे तो काम होती नहीं है, ठीक है जी, क्या आप ऐसे बोल दोगे कि हाँ जी कुछ भी आप बोल दोगे अपने मन से और आपको लगता है मैं बोलूंगा नहीं यार मैं नहीं कर रहा आज के बाद, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होने वाला, देखो तो कर लो, देखो आप लोगों ने जो करना है आप अपनी लाइफ जियो भाई, मेरे को अपनी लाइफ जीना तो मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी ये है कि देखो इंजॉयिंग मैं ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा फनी टाइप के वीडियोज बनाऊं जिससे थोड़ा फन भी हो, कि लाइफ स्टाइल में थोड़ा मस्ती मजाक चलाते हैं हम जिस तरीके से मैं मेरी वाइफ हो गई बेबी के साथ खेलते हैं, तो वो वाली चीजों को लेकर मैं थोड़ा वो रखता हूँ कि चल ठीक है यार इनके साथ थोड़ा फन रखूं, बट ऐसा तो नहीं है देखो यार प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को भी प्रॉब्लम है यार, तो उस चीज का देखो मजाक उड़ाना या मजे लेना उस चीज के कि नहीं भाई तुम्हारे तो प्रॉब्लम है तुम ले रहे हो मजे क्या तुम दिखा रहे हो आगे क्या कि तुम्हारे बड़े ऐश चली हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता यार सबकी अपनी लाइफ होती है सबकी प्रॉब्लम्स है आप लोग भी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, इतना उस चीज को हाइप करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें चल रही हैं वो वैसे ही चलेंगी, ठीक है तो अब सीन है भाई ऐसा देखो मैं नहीं चाहता था ये वीडियो ऐसा करके बनाना, बट मेरे को ना बहुत वो कहते हैं ना बुरा लगता है जो चीज का कि नहीं यार एकदम से ये चीज आपके सामने आई कि ये चीज ऐसे बोली जा रही है, तो चलो कोई नहीं यार देखो अपना है मेरी देखो फैमिली अगर ठीक है लोगों को लगता है अच्छा हैप्पी है तो ठीक है अच्छी बात है हैप्पी रहनी चाहिए ना सबकी फैमिली है वैसी रहनी चाहिए, कोई उसमें वो तो है नहीं कि नहीं दुख में रहनी चाहिए फैमिली है दुखों के वो रखो कि नहीं भाई हमारी फैमिली तो बहुत दुखी है हमारे तो ऐसे दुखी है हमारे तो वो है ऐसा कुछ नहीं होता भाई सबके अपने ठीक चला हुआ है, तो अपने हिसाब से रखो जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वही दिखाते हैं हर बंदा कि चल ठीक है एक मेमोरी बनती है उसी चीज़ की मेमोरी बनती है कि ये हमारे हैप्पी मोमेंट्स से और इसी चीज़ की मेमोरी बन रही है आके, बाकी सीन ऐसा है कि देखो अगर बनाना होगा कंटेंट तो मैं कंटेंट तो कुछ भी बना के वो कर लूंगा कुछ का कुछ भी बना लूंगा कुछ भी थंबनेल डाल लूंगा कुछ भी टाइटल डाल लूंगा, अगर मेरे को भाई बेचने वाली बात ही होगी ना कि नहीं भाई मेरे को तो बस बनाना है बस किसी तरीके से चाहे कुछ भी बना रहा हूँ मैं अंधाधुंध बना रहा हूँ मैं, ठीक है वो चीज़ तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे को एक अपने लिए मेमोरीज बनानी है भाई, देखो आगे आने वाले 5 साल बाद 6 साल बाद जब कल को बेटा भी बड़ा होगा ठीक है बच्चे बड़े होंगे आगे जाके तो उनको भी पता चलेगा कि ठीक है ये सब किया है हमने छोटे होते हमने ये सब किया हुआ है,
ठीक है, तो वैसी वाली मेमोरीज बनानी है मेरे को और कुछ नहीं है इसमें कोई। यार देखो किसी को वो नहीं है कि जबरदस्ती वाला वो है, जिसको भाई देखो अच्छा लगता है वो बिल्कुल देखो सपोर्ट करो भाई, जिसको नहीं लगता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलो ज्यादा लंबा नहीं करते इस वीडियो को। तो भाई आ गया कोमल का फोन, अपा जा रहे हैं जरा थोड़ा सा काम है, सामान लेके आना है। आज कुछ खास वीडियो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि आज ना मूड सा खराब हो रखा था सुबह से, तो यही दो तीन चीजों को लेके तो बस ऐसा सीन है, देख लो। ठीक है ठीक है, तो यार देखो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी चलते हैं अभी देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, लेट्स गो। ये देखो भाई लड़की आ गई है। ये ना आगे पता क्या करी, गाड़ी के आगे पैर रखे ना ऐसे, पैर से रुकने लगी गाड़ी। मैं भीम। तो भीम सेन बन जा तू है ना, मोटा भीम। मोटा भीम की लगी। तो गाइस हम दोनों जा रहे हैं आज काके को छोड़ा दादू दादी के पास बड़े दिनों बाद। यार लो आप रखो अपने लड़के को और हम चले। तो आपा जाके आते हैं भाई, थोड़ा गेड़ी सी मार के आते हैं, ठीक है जी। सामान लाना थोड़ा सा और तेल भी भराना, डेड हो गया टैंक पहली बार मेरी गाड़ी में ना। तो गाइस पहली बार देखो मेरी गाड़ी में लग गया रिफ्यूल, बिल्कुल टैंक जीरो हो गया है। इसको मैंने होने नहीं देता, वैसे एक दो दो डंडी तो मिनिमम रहती है, बट आज तो बिल्कुल खत्म हो गया टैंक। एक्चुअली पता है क्या, मैं चंडीगढ़ जा नहीं पा रहा दो चार दिनों से, और जबकपुर में घूमी जा रही है, और मेरा बिलीव है कि चंडीगढ़ से तेल भराना चाहिए क्योंकि वहाँ थोड़ा ठीक मिलता है, बट अब मजबूरी है मुझे यहीं से भराना पड़ेगा। तो गाइस बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद हम लोगों से डिसाइड नहीं हो रहा कि हम लोगों ने क्या खाना है, ठीक है जैसे कि हमारे साथ हमेशा होता है। हमें हमारी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजनों में से ना सबसे नहीं वो नहीं बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजनों में सबसे बड़ा डिसीजन ये भी है कि खाना क्या है, कि हम भूखड़ तो हैं लेकिन हमें पता नहीं हमने खाना क्या। ये देख ना साइकिल वाला भी लाइन में लगा रहा भाई, साइकिल में तेल डलवाएगा ये। साइकिल में डलवाएगा तेल, ये भी तेल से ही चलता होगा। बोतल तो दिख नहीं रही, इसके हाथ में है बोतल, मुंह में डलवाएगा। बोतल तो है नहीं, या तो अपने में डलवाएगा या साइकिल में डलवाएगा। गद्दी गद्दी पाते गद्दी मेरे से। पेट्रोल पे चलता होगा ना वो, पेट्रोल पे कैसे चलता होगा वो, साइकिल डीजल जैसे ही तो लगते दिखने में। लोगों की बेइज्जतियां कर रही है भाई। तो गाइस हम लोगों को सजेस्ट करो कि हम क्या खा सकते हैं जबलपुर में, क्योंकि हमारा डिसीजन नहीं हो पा रहा। जो इसको खाना है वो मैंने नहीं खाना, जो मेरे को खाना है वो इसने ही खाना, फिर ये कहते तुम हर चीज में ना कर देते हो। ठीक है चले गई, ऐसा सा सीन है, हमारा खाने का डिसाइड नहीं हो पा रहा है प्यारी। चलो हम कुछ सोचते पहले, हम लड़ लें पहले ना खाने के लिए, लड़ाई करते हैं पहले, कुश्ती करते जो जीता वो उसको पसंद करते। तो भाई हमारा डिसाइड हो गया है कि हमने क्या खाना है और वो है कुछ नहीं, और हम जा रहे हैं वापस लड़ाई झगड़े के बाद। राजभोग खिला दिया इन्होंने मेरे को, आज मैंने इसको राजभोग खिलाया है। हमारी लड़ाई होगी और हम कुछ नहीं खा रहे ना? हमारा ये डिसाइड हुआ है। ये देखना मम्मी ने निक्कर पहना दी सर पे, माऊ मम्मी की पिटाई कर दे। पूजी क्या कर दिया ये, किसने घेरा सर पे, 1 2 3 कुजी दम, कुची गिर गई दम। तो चलो गाइस आज का वीडियो हो गया बहुत ज्यादा लंबा, बट देख लेना ठीक है। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, और ये दिखाता हूँ देखो, ये देखो लाला जी हमारे सो नहीं रहे हैं, ये टीवी लगाया हुआ है, ये देखना साढ़े 11। पांडे जी सो जाओ, हेलो पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी सो नहीं रहे हैं। तो चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंजॉय, सी यू टुमारो।